मेरा नाम सिग मोहम्मद नसीम अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मैकेनिकल वर्ल्ड। और इसका पहले हम सीजी का ऊपर बहुत कुछ समझाए हैं, व्हाट इज सीजी और सेंट्रोइड। उसके बाद दो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व किए हैं, एल सेक्शन और आई सेक्शन। तो आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो है टी सेक्शन। तो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं सेंट्रोइड और सीजी क्या है, तो आज और एक बार हम समझाएंगे सेंट्रोइड और सीजी क्या होता है। सेंट्रोइड होता है कोई भी एक बॉडी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड है कोई भी एक बॉडी, उस बॉडी पे बहुत सारा पार्टिकल होता है, ऐसा बहुत सारा पार्टिकल होता है और हर एक पार्टिकल का एक एरिया होता है, A1, A2, A3, A4, A5 और टोटल जो बॉडी है उसका जो मतलब एरिया होगा उसको हम लोग A से डिनोट करेंगे। और हर एक एरिया का एक सेंटर पॉइंट होगा और टोटल जो बॉडी है उस बॉडी का जो सेंटर पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड। कोई भी बॉडी का इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड। कोई भी अगर एक्सिस हम कंसीडर करते हैं इसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट का सेंट्रोइड होगा वाई एक्सिस में होगा इस लेंथ, इसको हम लोग वाई बार से डिनोट करेंगे। और एक्स एक्सिस में जो इस लेंथ है इस लेंथ को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। इस एक्स बार और वाई बार दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोइड बोल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को समझना पड़ेगा सीजी क्या होता है। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है ना, कोई भी एक बॉडी, उस बॉडी पे हर एक पार्टिकल का एक वेट होगा, W1, W2, W3, W4, W5 और हर एक जो मतलब वेट है हर एक का एक सेंटर पॉइंट होगा। और टोटल जो बॉडी है उसका हम वेट W से कंसीडर करेंगे और उस वेट जिस पॉइंट पे काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक्सिस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस आएगा जीरो से उसको हम लोग कंसीडर करेंगे वाई बार से, और एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पे आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स बार। तो वाई बार और एक्स बार ये दोनों को निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का। तो इस न्यूमेरिकल एक है उसका हम लोग सीजी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा दो एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा इस फिगर के लिए। तो इस फिगर के लिए एक्सिस दो हम कंसीडर करते हैं, इसको वाई एक्सिस और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, वाई और एक्सिस, ये जीरो पॉइंट है। हम लोग इस फिगर को बोल सकते हैं ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस मतलब इस सेक्शन को अगर हम लोग काट करेंगे तो दो पोर्शन हम लोग को सेम मिलेगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वाई एक्सिस में ये फिगर सिमेट्रिकल है। तो पहला सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन, दिस फिगर इज symmetrical about y-axis में फिगर symmetrical है। तो डायरेक्टली हम लोग x बार निकाल सकते हैं, x बार इज इक्वल टू कितना होगा ना, x बार होगा इसका जो टोटल लेंथ होगा उसका हाफ मतलब 20/2 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। दो सेक्शन मतलब इसको हम लोग वन से कंसीडर करेंगे और इसको टू से। तो दोनों सेक्शन का हम लोग एरिया निकालेंगे और वाई बार निकालेंगे मतलब वाई वन वाई टू निकालना पड़ेगा। तो फॉर सेक्शन वन ए वन कितना होगा, ए वन होगा सेक्शन वन के लिए, ए वन होगा इसका जो हाइट होगा 24 सेंटीमीटर और इसका जो थिकनेस होगा 4 सेंटीमीटर, उसका मल्टीप्लीकेशन मतलब 24
इंटू फोर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और y1 कितना होगा, y1 होगा इस सेक्शन के लिए y1 होगा 24 बाय 2 12 सेंटीमीटर। इस लेंथ का जो हाफ होगा वो होगा y1। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर सेक्शन 2 के लिए a2 कितना होगा, 2 के लिए a2 होगा इसका जो लेंथ होगा और उसका जो हाइट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू फोर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका y2 कितना होगा, y2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा इस लेंथ को, हम लोग 24 प्लस इसका हाफ होगा 4 बाय 2 26 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो हम लोग का मतलब y बार निकल जाएगा, y बार इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड a1 प्लस a2। तो हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग का a1 कितना निकला है, a1 है हम लोग का 96 इंटू y1 कितना होगा, y1 होगा 12 प्लस a2 कितना है, a2 हम लोग का 80 इंटू y2 कितना है 26 डिवाइडेड a1 कितना है 96 प्लस a2 80। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 18.36 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो y बार है वो निकल गया है, y बार इतना है और जो हम लोग का x बार है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले x एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, इस लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं x बार 10 सेंटीमीटर। और यहां से जो हाइट होगा वो हम लोग y एक्सिस से y बार से डिनोट करते हैं वो है 18.36, मतलब इतना तक हम लोग बोल सकते हैं 18. इसको हम लोग y बार बोलेंगे 18.36 सेंटीमीटर। तो इस एक्सिस जो पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे CG, इस पॉइंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं CG से। तो इस न्यूमेरिकल के लिए यह है आंसर, y बार के लिए इस पॉइंट और x बार जो होगा वो इसको हम लोग x बार से डिनोट करेंगे, ये हो गया हम लोग का इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो अगर मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसके बाद अगर तुम लोग का कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी वीडियो का ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, हम ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे। तो और एक बार बोल रहे हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से शेयर करना। थैंक यू।